वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे लग रही है सेल और इस वक्त की। सो लेट्स गो गाइज। हम आ चुके हैं अप्रैल हाउस में और गाइज गेस व्हाट, यहाँ पे इतनी बड़ी सेल लग रही है। आप देख रहे हो, भीड़ को देख रहे हो, आपको पता चल रहा होगा कितनी बड़ी सेल है। सो आज है लास्ट डे, सो लेट्स चेक इट आउट कि आज कैसा माहौल है और कितने सेल में क्या बच रहा है आज। सो लेट्स गो। सो ये है फैशन लाइफस्टाइल सेल। Oh my God! Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, मैं जैसे ही अंदर आई, मुझे बिल्कुल भी expected ऐसा नहीं था कि मुझे इतना rush यहाँ पर मिलेगा। और of course आपको दिख रहा है price बहुत ही ज़्यादा कम है as usual जितना brands पे होता है। आपको यहाँ पे हर type के brands मिल रहे थे, but specially मैंने यहाँ पे देखा था कोई मैनेजमेंट नहीं था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगी यहाँ पर कि आपने एक सेल दी है, आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बट आपने मैनेजमेंट कोई नहीं रखा। आप देख रहे हो नीचे सारा सामान बिखरा हुआ था, हर काउंटर पे कोई नहीं था, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम एक मतलब शॉपिंग मॉल में आए। ऐसा लग रहा था कि हम मच्छी मार्केट में आ गए हों और इधर का सामान उधर पड़ा है, उधर का सामान इधर पड़ा है। कोई मैनेजमेंट नहीं था गाइज। तो अदरवाइज़ वैसे मतलब स्टॉक आउट बहुत सारी चीज़ों का हो चुका था जो कि हमें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। सिर्फ हमें बोर्ड्स लगे दिख रहे थे उनके कि ये बोर्ड्स हैं, बट उस काउंटर पे दूसरी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही थी। बट ऑफकोर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर परचेज़ करने के लिए जो हम कर सकते थे, ठीक है। और जो सेल थी वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी, दो से तीन दिनों के लिए सेल थी। बट प्राइस काफ़ी अच्छे थे, मतलब इस सेल में अगर हम परचेज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं गाइस। बट ये सेल हर मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम अलग अलग प्लेस पे लगती है। तो अभी ये अप्रैल हाउस में आई थी, ये लगी थी 14 to 16 जुलाई तक ये सेल यहाँ पर लगी थी, और जिसमें आपको सारे ब्रांडेड आइटम्स जो थे वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे थे। 90% तक यहाँ पर ऑफ चल रहा था गाइस। बहुत सारी आइटम्स मैंने भी यहाँ पे देखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ड्रेसेस वगैरह आप देखो तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा अप्रैल हाउस जो है सेक्टर 44 गुड़गांव में पड़ता है, नियर हुडा सिटी सेंटर। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी सेल लगे यहाँ पे तो आप विज़िट कर सकते हैं गाइज़। सो ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बट मेरे भाइयों को पसंद नहीं आया तो मैंने वापस रख दी। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी सेल लग रही है। मतलब हर ब्रांड में आपको मतलब अनलिमिटेड डिस्काउंट्स मिल रहे थे। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतने ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे कैसे मिल सकते हैं। 4000 की प्राइस कहाँ 800 पर आपको मिल रहे थे। मतलब डोरमेट्स आपको 150 रुपीज़ के, मतलब ब्रांड्स के नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते इतने कम प्राइस में, बट यहाँ पर आपको परचेज़ करने को मिल रहे थे। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमने ना बहुत सारा सामान पसंद कर लिया था, मतलब कि चलो लेते हैं, ठीक है। तो हमने सारा पसंद कर लिया घूम घूम के, लेकिन एंड में जब हमने जाके वहाँ पर देखा कि वहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये देख रहे हो आप कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। किसके लिए? काउंटर पे लगी हुई थी, काउंटर पे लगी हुई थी। और वहाँ पे जाके मतलब बिलिंग प्रोसेस जो हो रहा था वो हो रहा था। तो भाई साहब जब इतनी लंबी लाइन देखी ना तो मेरे भाइयों ने बोला बहन रख दे भाई, इतनी लंबी लाइन में हम नहीं रुक सकते। देख रहे हो आप कितनी लंबी लाइनें लगी, पीछे अलग लगी हुई थी। इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए थे। बट ओवरऑल वैसे सारी चीज़ें और जो काउंटर था यहाँ पे सब ऑनलाइन ही था, सब ऑफलाइन था। जो भी बिलिंग हो रही थी सब ऑफलाइन हो रही थी, ठीक है। सो मतलब मुझे ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो है मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे थे। क्लोथिंग में क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। उसके अलावा यहाँ पे मतलब ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी। आई थिंक ज्वेलरी वगैरह जो थी वो भी उनके ब्रांड्स आए हुए थे यहाँ पे। सारी ज्वेलरीज थी, ये देख रहे हो कितनी प्रिटी प्रिटी ज्वेलरी लग रही है। मतलब हर एक चीज़ थी, ईयरिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर रिंग्स वगैरह भी थी, ठीक है, चेन वगैरह, लॉकेट वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह, सारी चीज़ थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे, कुछ मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स थे, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक समथिंग, तो वो भी थे। सो गाइज ये था आज का मेरा व्लॉग और होप्स आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कैसे लगा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और जाते हुए शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।